नीतीश कुमार समस्या पैदा करने वाले लोग हैं, ये समस्या के सुलझाते नहीं हैं, ये समस्या खड़ा करते हैं और फिर चुस्की लेते हैं। के पाठक हो या एफ के पाठक हो, शिक्षक अभ्यर्थी जिसको लड़ना है, वीर भोगे वसुंधरा जिसमें वीरता है, कोई पाठक हो कि फाटक हो, इससे कोई शिक्षक डरता नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में कहने को भले महागठबंधन की सरकार हो, लेकिन नीतीश कुमार का संकट जो है वह बढ़ता ही जा रहा है, थम नहीं रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनको लेकर के उन्होंने पीत पत्र जारी किया। जारी करने के बाद में बिहार में सियासत जो है वह गर्म हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं नवल किशोर यादव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। कैसे देख रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं दोनों को बैठा करके समस्या का समाधान कराने के लिए सीएम हाउस तो भले बुला लिए, लेकिन क्या लगता है इन सब चीज़ों से क्लियर हो जाएगी? नीतीश कुमार समस्या पैदा करने वाले लोग हैं, ये समस्या के सुलझाते नहीं हैं, ये समस्या खड़ा करते हैं और फिर चुस्की लेते हैं। नीतीश कुमार आरजेडी के मंत्रियों को एक कदम भी आगे पीछे चलने देना नहीं चाहते हैं, और इनकी आदत है अधिकारियों के द्वारा ही सरकार चलाना चाहते हैं। तो नीतीश जी को सारे मंत्रियों को ड्रॉप कर देना चाहिए, अधिकारियों के टीम लेके ही सरकार चलानी चाहिए। इस राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। क्या लगता है जो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पत्र लिखा वो सही है, वो अधिकारी का ही बोलबाला देखा जा रहा है? नहीं, चंद्रशेखर ने क्या पत्र लिखा मैं नहीं जानता हूँ, और मुझे उनके शिक्षा मंत्री से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि नौकर मालिक नहीं हो सकता। आए हो नौकरी करने तो नौकर की हैसियत में बने रहो, मालिक नहीं बन सकते हो। मालिक बनना है तो नौकरी रिजाइन करो, आ जाओ लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए। प्रतिपल परीक्षाएं देनी होती है, पता चलेगा। नौकर कभी भी मालिक नहीं हो सकता है, नौकर की हैसियत में रहो। और के पाठक जहाँ जाते हैं वहाँ इसी तरह के नेगेटिव TRP अपना बटोरना चाहते हैं। ये बालू विभाग में, खनन विभाग में गए, आज बालू का क्या रेट है, बालू के माफियाओं का क्या स्थिति है, ठीक कर दिया? आज बालू का जितना दाम बढ़ा कोई साधारण आदमी मकान भी नहीं बना सकता। ये दारू विभाग में गए, ड्रोन खरीदाया, हेलीकॉप्टर खरीदाया, शराब बिकना बंद हुआ, कब्र से दारू निकल रहे हैं, गैस सिलेंडर से दारू निकल रहे हैं, ब्लाडर से दारू निकल रहे हैं, हर घरों में दारू सप्लाई हो रहा है, हर गांवों में शराब बिक रहे हैं। कहाँ हो गया इनका ड्रोन, क्या हो गया हेलीकॉप्टर? जदयू के तो लोग कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जब जब कुछ चीज विभाग में होता है तब तब इनको वहाँ पे ऐसा है कि जदयू के लोग क्या कहते हैं, जदयू के लोग नहीं कहेंगे तो इनको नीतीश कुमार पटिया से निकाल देगा। जदयू के लोग लोकतांत्रिक नहीं है, वो तो चमचागिरी वाली पार्टी है ना। आरजेडी के नेता भी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छे अधिकारी हैं। हाँ तो अधिकारी हैं तो जाके उनके क्या अगरबत्ती हुमाद लेके पूजे। मैं यह कह रहा हूँ कि यही इसी आधार पर सुधाकर सिंह ने महीनों भर गाली बक्का कागज फेंका मुख्यमंत्री के मुँह पर, इतना फजीहत हुआ जो आज परिस्थिति पैदा हुआ है। ये जो इनके मंत्री थे मदन साहनी, इस्तीफा करके इन्हीं अधिकारियों के वजह से बने। सदा भी उन्होंने भी के पाठक के खिलाफ में बोले, लेकिन कई आरजेडी के नेता हैं, कई जदयू के जो नेता हैं वो इनका तारीफ कर रहे हैं। वो क्या बात होगी ना? ना ना, कुछ बात हो या नहीं हो, बात शिक्षा विभाग पर ना होनी चाहिए थी। के पाठक आए थे तो स्कूलों की बात करते, बाथरूम की बात करते, बेंचेस की बात करते, पेयजल पानी की बात करते, कमरा की बात करते कि कमरा नहीं है, यह ना बात करते। ये तो बात कर रहे हैं पावर के, खाली पैसा खर्चा करने वाला कोई आएगा ब्यूरोक्रेट तो पहले कॉरपोरेट टाइप से ऑफिस बनाएगा, उससे राजसत्ता चलता है। राजसत्ता चलता है, उसकी दृष्टि अंतिम पंक्ति के अंतिम लोगों पर नहीं जाएगा तो नहीं चलेगा। ये सब चीज लालू प्रसाद यादव बर्दाश्त कर लेंगे, तेजस्वी यादव। अब लालू यादव क्या करेंगे नहीं करेंगे ये लालू यादव समझे, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे चीजों को मैं कंडेम करता हूँ,
नौकर मालिक नहीं हो सकता। लगता है कि के पाठक के आने के बाद में शिक्षक अभ्यर्थियों की परेशानी जो है वो बढ़ी है या फिर उससे पहले ही? के पाठक हो या एफ के पाठक हो, शिक्षक अभ्यर्थी जिसको लड़ना है वीर भोगे वसुंधरा, जिसमें वीरता है, कोई पाठक हो कि फाटक हो, इससे कोई शिक्षक डरता नहीं है। आप लोगों का जो तैयारी है 13 जुलाई को जो पैदल मार्च होने वाला है, क्या लगता है कि आप लोगों के इस आंदोलन से सरकार डर जाएगी, वापस ले लेगी इतना? सरकार डरेगी कि नहीं डरेगी, लेकिन सरकार को रहने नहीं देंगे, ये शुरुआत है। आप लोग ऐसा तो नहीं ना कि और लाठी डंडे से इसको देखते हैं? लाठी डंटा गोली जो चलाना है वो चलाए, लेकिन ये संघर्ष होगा और सरकार को पेनलाइज करेंगे। कितने लोग आ रहे हैं? वो जब आएगा तो वंदना आप तो रहोगी, ऐतिहासिक रैली होगा। आप सुने थे क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का? इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।